विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। अग्नि देव हूं मैं, अग्नि का स्रोत, इसलिए तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सकता। अच्छा, तो पूर्ण विश्वास है आपको कि आप ही अग्नि के स्रोत हैं? सुना नहीं तुमने? अग्नि देव हूं मैं, अग्नि ही मेरा परिचय है। क्या चुनौती दी थी तुमने हम देवताओं को कि इस तुच्छ तिनके को उड़ा कर दिखाएं हम देवता? देखो आप, इस तुच्छ तिनके को कैसे भस्म करूंगा मैं। तो ये तो आपके लिए अत्यंत सरल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि आप ही अग्नि के स्रोत। इस तिनके को भस्म करने के उपरांत तुम्हारी अग्नि रूपी ऊर्जा को सोख कर स्वयं के भीतर समाहित करूंगा मैं। वो तिनका भस्म हो गया? तुम्हारा तिनका इस अग्नि में भस्म होने से कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो अवश्य अवश्य भस्म हुआ होगा। कदाचित वो ज्ञात करने का समय अब आ गया। ये शक्ति तो स्वयं अग्निदेव को अपने भीतर समाहित कर रही, किंतु ये कैसे संभव है? ये बहुत अहंकारी प्रमाणित हुए आप अग्निदेव। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आप देवताओं के स्थान स्वर्ग को भी भस्म करने के लिए आतुर थे। मुझे ज्ञात है यहाँ क्या घटित हुआ है। आप सभी देवता अपने सुरक्षित स्थान से उसके साक्षी। तो है कोई और देवता जो इतना शक्तिशाली हो जो मेरे द्वारा स्थित किए गए इस तिनके को इसके स्थान से उड़ा सके? इसका इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस इस मायावी स्त्री का जो यह हम देवताओं को चुनौती दे रही है, इसका अभी इसी क्षण प्रत्युत्तर देना होगा। देवराज इंद्र, माता की दिव्यता स्वीकार करने के स्थान पर उन्हें एक आसुरी शक्ति ही मानते रहे। अहंकार का अंधकार सत्य का परिचय कहां होने देता है भला? देवताओं के अहंकार ने उनकी दृष्टि और बुद्धि दोनों को ही भ्रमित कर दिया था महाराज। वो ये देखने और समझने में असमर्थ थे कि उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं
अपितु स्वयं माता महागौरी अपने तेजोमय रूप में थी। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? फिर अपने दंभ और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए इंद्रदेव के साथ समस्त देवता माता से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। वरुण देव ने अत्यंत शक्तिशाली जल प्रवाह को उत्पन्न कर उसे उस तिनके पर केंद्रित किया। मेरे जल का शक्तिशाली प्रवाह साथ कर देगा इस तेज कुंज के तेज और इस तिनके को भी बहा कर ले जाएगा। किंतु माता के तेज पुंज का स्पर्श करते ही वरुण देव द्वारा उत्पन्न जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में समाहित हो गया। फिर सूर्य देव ने अपनी सूर्य की किरणों की शक्ति से उस तिनके को हटाने का प्रयास किया किंतु वे विफल हुए। जिसके उपरांत कुबेर देव जी ने भी अपनी गदा का प्रयोग किया। लो, उड़ा दिया तुम्हारा दिन का मैंने अपनी गदा के प्रहार से। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर, किंतु आपका यह विश्वास निराधार। कोई आसुरी शक्ति नहीं, यह अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। मेरी गदा ही छिन भिन हो गई और तिनका अभी भी अपने स्थान पर ही स्थित है, कैसे संभव है ये? एक एक करके सभी देवता पराजित हो रहे थे और इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी देवराज इंद्र के क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और जब सब देवता असफल हो गए तो स्वयं देवराज इंद्र ने प्रयास करने का निर्णय लिया। इतना ही तपोबल है अब देवताओं का, आप सभी अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी इस तिनके को इसके स्थान से नहीं उड़ा सके। मायाविनी, मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारा तिनका तो क्या, स्वयं तुम भी नहीं टिक पाओगी। मुझे इंद्रदेव को इनका सामना करने से रोकना होगा। मैं अपने तपोबल से कैसी शक्ति उत्पन्न करूंगा ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। की यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी।
ने मेरी वज्र की शक्ति को मान ली, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती, तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको ये स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा, और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकार वश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव अपनी भूल का प्रायश्चित करें। माता की शक्ति तो अमोघ है, और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं, पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं, और भविष्य में दुख संताप पाप रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं, और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। कल नवरात्रि का नवम दिवस है। कल हम माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके नवम स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं।
और दुर्गम असुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवदास अपनी भूल को समझ ले। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराज इंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए, क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भैया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी और हमें सफलता प्रदान करेंगी भैया। ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनके बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है। प्रत्येक स्वरूप हमें हमारे विकारों से मुक्त करता है, साथ ही जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।